हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 पॉवर्टी से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। एलिवेशन मतलब होता है पॉवर्टी को हटाना। अ क्रिटिकल असेसमेंट इसलिए बोला गया है कि क्यों ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी लाइन डिक्लाइन फ्रॉम 46% इन 1973 टू 21.9%। जो परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी लाइन थी वो तो डिक्रीज हो गई, और सेकेंड क्या था, वेज रेट इंक्रीज हो गए। तो जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बने वो फेल क्यों, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों ये फेल हुए। तो इसका फर्स्ट एंड बहुत सारे रीजन थे, तो हम इसके फर्स्ट रीजन पे आते हैं। द प्लानिंग अथॉरिटी एंड स्टाफ आर नॉट एफिशिएंट। तो इसका मेन रीजन फेलियर का क्या था, एक जो प्लानिंग अथॉरिटी थी, प्लानिंग अथॉरिटी कौन होती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो ये प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं, जो प्रोग्राम्स को प्लान करते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो क्या थे, एफिशिएंट नहीं थे, इसलिए ये प्रोग्राम्स फेल हुए। सेकंड क्या था, इंस्टीट्यूशन दैट आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज आर नॉट सपोर्टिव। इंस्टीट्यूशन मीन्स यहाँ पे क्या है, कोई भी आप बोल सकते हो ऐसा जो इंस्टीट्यूशन जो क्रेडिट फैसिलिटी देता है, आप बैंक बोल सकते हो, और भी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो, वो क्या थे, सपोर्टिव नहीं थे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, बेनिफिट्स नॉट पास्ड ऑन टू पुअर प्रॉपरली। बेनिफिट्स क्या हुए, जो पुअर पीपल थे उनको नहीं पास हुए, एज सो मेनी रिच पीपल टेक अननेसेसरी एडवांटेज। देखो क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्राम्स बनते हैं, कोई स्कीम आती है, आपने सुना होगा ना, जो रिच पीपल होते हैं या जिनके हाथ में पावर होती है, उन्होंने क्या करते हैं, वो लोग जनरली उसका अननेसेसरी एडवांटेज ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एक्चुअल में जिनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए उनको वो बेनिफिट्स पास ऑन नहीं होता। तो इस पॉइंट में यही बताया गया, बेनिफिट्स नॉट पास ऑन टू पुअर प्रॉपरली एज सो मेनी रिच पीपल टेक अननेसेसरी एडवांटेजेस। अननेसेसरी एडवांटेजेस कैसे लिए उन्होंने, जो स्कीम आई है, जो फैसिलिटी पुअर पीपल को मिलनी चाहिए थी वो उन्होंने खुद यूज कर ली। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज ऑनली पॉसिबल व्हेन ऑल द पीपल पार्टिसिपेट। देखो कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं हम या प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, वो कब पॉसिबल हो पाता है, जब सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट इन दिस, इसमें क्या हुआ, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बने, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल आर नॉट देयर। तो जो पुअर पीपल थे उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करा, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, इसलिए क्या हुआ, ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय द ऑफिशियल इन एफिशियंटली। जो ऑफिशियल्स थे इन्होंने क्या करा, उस प्रोग्राम्स के चलते अननेसेसरी एडवांटेजेस लिए, और क्या करा, रिसोर्सेज को अपनी तरफ से यूज करा, उनको सही वे में यूज नहीं करा, जहां पे वो रिसोर्सेज यूज होने चाहिए थे वहां पे यूज नहीं करे, उनका क्या करा, मिस यूज करा। आर यूज बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स कौन है, जो इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जिन्होंने बनाए थे, उन्होंने इसको क्या करा, इनएफिशियंटली यूज करा। सिक्स पॉइंट है, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब लोगों में जागरूकता नहीं थी, पुअर पीपल वुड नॉट टेक एडवांटेजेस, पुअर पीपल ने क्या करा, एडवांटेजेस नहीं ले पाए, क्योंकि उनमें उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, या आप बोल सकते इतनी उनको अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नेक्स्ट मूव ऑन, पॉइंट नंबर 7 है, ड्यू टू कंट्रोल ऑफ पावर ग्रुप्स। पावर ग्रुप्स कौन होते हैं, जैसे होता है ना कि किसी के हाथ में ज्यादा कंट्रोल होता है, कुछ ऐसे ग्रुप्स बने रहते हैं, तो जो पावर ग्रुप्स होते हैं इन द विलेजेस, गांव में जैसे बने रहते हैं ना कुछ लोग, की जिनके पास ज्यादा कंट्रोलिंग पावर होती है, अथॉरिटी होती है, बेनिफिट्स एंड अदर फैसिलिटीज आर लीक्ड बाय देम। उन्होंने क्या करा, जो बेनिफिट्स पुअर लोगों को मिलने चाहिए थे उन्होंने वो पहले ही चुरा लिए, तो इससे क्या हुआ, पुअर पीपल्स को बेनिफिट्स मिल ही नहीं पाए। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब हम कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कुछ प्रोग्राम्स है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर आपकी नॉलेज के लिए है, फर्स्ट है रूरल हाउसिंग एम्स टू प्रोवाइड फ्री हाउसिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। ये प्रोग्राम क्या लॉन्च हुआ, रूरल हाउसिंग। रूरल हाउसिंग में क्या था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको क्या करेंगे, फ्री हाउसिंग स्कीम के चलते उनको हाउस
प्रोवाइड करेंगे, उनको घर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या था, इट एम्स एट एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट। इसमें इन्होंने क्या करा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया ताकि वो अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और फूड वगैरह की वो फुलफिल कर पाए। तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करे, बट स्टिल कुछ अचीवमेंट्स हुई बट वो पूरी तरीके से अचीव नहीं हो पाए। उनका मेन रीजन फेलर्स जो थे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।